नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। ओशो ज़ेन टैरो के 5th एपिसोड में आज हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ द रेबल। अगर हम राइडर वेट का कार्ड देखें, जो 5th कार्ड है राइडर वेट का, वो है द एम्परर। थोड़ा बहुत एम्परर के बारे में समझेंगे। एम्परर इज़ द मैस्कुलिन प्रिंसिपल। एम्परर जो है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, और एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद द मैस्कुलिनिटी, इंटेलेक्चुअल, फाइटिंग, गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, अर्निंग मनी, एवरीथिंग, दिस इज़ आवर लेफ्ट ब्रेन। और जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात करी थी कि जो लेफ्ट ब्रेन है उसको हमने जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इज़ द राइट ब्रेन विच इज़ मिसिंग। बट एनीवेज, जब हम ओशो का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इसके अंदर, तो दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट टेक, दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट वे, दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट अप्रोच व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। तो सबसे पहले जो है आप समझ लीजिए, जो एम्परर कार्ड है वो हमें पता चलता है उसके बारे में कि दैट ही इज़ समवन हु इज़ एन एक्सपीरियंस मैन, समवन हु हैज़ लर्न फ्रॉम लाइफ, समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग, समवन हु हैज़ टेकन चार्ज ऑफ हिज लाइफ एंड एवरीथिंग विच हैज़ टू डू विद द मैस्कुलिनिटी। तो अब बात करते हैं ओशो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओशो ज़ेन टैरो का 5th कार्ड द रेबल। रेबल कौन है? रेबल वो है जो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना चाहता है, जिसने अपनी वैल्यूज़ जो हैं अपनी लाइफ की खुद डिसाइड करी हैं, जिसने अपनी लाइफ का जो रास्ता है वो खुद डिसाइड करा है। ही इज़ द वन हु इज़ रेबल, द वन हु इज़ एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल है जिसने डिसाइड करा है अपनी लाइफ को इस एक ऐसे ढंग से जीने का जो उसका सच्चा स्वभाव है, वो रेबल है। और वो रेबल क्यों है, इसको हम रेबल क्यों बोल रहे हैं? रेबल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ही इज़ नॉट अ मशीन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस संसार की बात करते हैं, जब हम संसार में जीते हैं, जो हम आसपास के जो हम जिस तरह के लोग हैं, हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम सबको जो है मशीन्स बनाना चाहते हैं, वो हम सबको ऑटोमेट करना चाहते हैं, और वो हमें रेगुलेट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। और रेबल इज़ समवन who has decided to come out of all these conditioning. He has broken all his conditioning. उसने अपनी सारी conditioning तोड़ दी है, उसने अपने सच्चे स्वभाव को समझा है, उसने ये समझा है कि what is good for him. जब हम स्वभाव की बात करते हैं, स्वभाव को थोड़ा समझेंगे। स्वभाव मतलब जिसने अपने खुद के जीवन के रस को समझा, खुद के जीवन की खुशी को समझा कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। उस स्वभाव को ध्यान रखते हुए उसने अपनी जीवन को निर्धारित किया है, इसलिए हम उसको रेबल बोलते हैं। और एक रेबल जो है एक पावरफुल आदमी है, क्योंकि उसने डिसाइड करा है अपनी ज़िंदगी को जो है अपने ढंग से जीने के। और जैसे कि मैंने बात करी कि आसपास के जो आपके लोग हैं, जो फैमिली है, कंडीशनिंग है, वो आपको रेबल नहीं होने देना चाहते, वो यही चाहते हैं कि आप उन्हीं के ढंग से जिए। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं मंदिर जाते हैं, तो वो आपको चाहते हैं कि वो आप भी मंदिर जाएँ। अगर सोसाइटी में जो है आपको एक ढंग से होने के लिए कहा जाता है, तो रेबल बोलता है नहीं, आई विल बी विथ माई ओन सेल्फ, आई विल डिसाइड माई ओन लाइफ, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ, नो वन कंट्रोल्स मी, नो वन कैन कंट्रोल मी। सो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि रेबल अपने आप में इट्स अ प्योर फ्रीडम, एक प्योर फ्रीडम का एहसास कि लाइक दिस इज़ द पावर वॉट यू हैव, एंड दैट इज़ वॉट द मैस्कुलिनिटी ऑल्सो। तो अगर हम ओशो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैस्कुलिनिटी को समझेंगे, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो है, जो मैस्कुलिनिटी की बात हो रही है, जो एक फ़ाइट की बात हो रही है, वो आदमी के खुद के स्वभाव के लिए वो बात हो रही है कि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स टू लिव अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा मेल ब्रेन है, दिस ऑल्सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस कैन ऑल्सो बी वेरी क्रिएटिव इन सम ऑर द अदर वे। So this is something which is very clear that the brain, our left brain or our mind is actually serving our heart. And how will the mind serve the heart? There is only one way. The way is that he will be able to live a life the way he wants, in all his freedom, in all his love, in all his glory. And that is what is important, that you should be able to live and express yourself in the best possible way. And that makes you complete. और एक रेबल जो है अपनी लाइफ की जो है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो ये समझता है कि उसके लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है।
तो रेबल का ये भी मतलब है क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ही इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ. तो अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो अपने कारण है, अगर वो अपनी लाइफ में दुखी है तो वो अपने कारण है. वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी और को ब्लेम नहीं करेगा अपनी खुशी और अपने दुख के लिए, बिकॉज ही हैज सिंपली अंडरस्टूड व्हाट ही इज़ हिज मेकिंग. जो वो है आज की डेट में उसने अपने खुद अपने आप को डेवलप करा है, खुद अपने आप को मैनिफेस्ट करा है. एंड दैट इज़ वॉट द रियलाइजेशन ऑफ अ रेबल इज, दैट इज़ वॉट द रियलाइजेशन ऑफ योर मैस्कुलिन नेचर, लाइक टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट यू आर रियली एंड वॉट यू आर केपेबल ऑफ एंड डिसाइडिंग दिस इज वेयर यू वॉन्ट टू बी. एंड वेन यू एक्सेप्ट योर मैस्कुलिनिटी, जब आप अपनी मैस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपने होने को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस. उस वक्त जो है यू बिकम अ रेबल. थिंग्स विल नॉट बी ईजी. जब आप रेबल होते हैं तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हो जाती, क्योंकि लोग चाहेंगे आपको एक सर्टन वे से होना, क्योंकि वो क्योंकि अक्सर जो है जो मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो व्हाट यू विल सी अराउंड, दे आर स्ट्रेस, दे आर इन सम काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी, दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन इन देयर लाइफ. और जब वो आपको देखेंगे दे विल बी एबल टू सी यू नो लाइक यू हैव नो स्ट्रेस इन लाइफ, यू हैव नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ. And that is where, you know, like, it is going to, you know, raise a question, you know, like, what is going on in his life? और ये चीज़ जो है आम आदमी को बहुत परेशान करती है, इसलिए वो रेबल के साथ होना उसको पसंद नहीं है. और जब मैं कह रहा हूँ उसको पसंद नहीं है, उससे मेरा मतलब है उस मशीन को पसंद नहीं है. और थोड़ा ये भी समझने की बात है कि रेबल की ज़िंदगी में ये कोई, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, कि उसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं है, उसकी लाइफ में तकलीफें नहीं है, सब कुछ है. द ओनली डिफरेंस व्हाट इज इट हैज़ हैपेंड इज़ दैट देयर इज़ अ गैप विच हैज़ हैपेंड. एक तरह का गैप क्रिएट हो गया है उस जो जो उसकी लाइफ के जो स्ट्रेसेस, जो प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशंस, ऑल दोस थिंग्स विच आर देयर, और वो और उसके बीच में उसने अपने अंदर जो है एक गैप क्रिएट कर लिया है. तो दीज आर ऑल देयर, लेकिन अब उसको वो फिर भी वो कहीं ना कहीं बॉदर नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को डिटैच रखता है उससे, क्योंकि उसने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि द मोर ही इज़ अटैच टू हिज प्रॉब्लम्स द मोर ही विल बिकम बर्डन. उतना ही वो बर्डन हो जाएगा जितना वो इन प्रॉब्लम्स के साथ अटैच रहेगा. द ओनली वे टू एग्जिस्ट इज एग्जिस्ट इन लाइटनेस. जितना वो लाइट रहेगा, जितना वो फ्लोइंग रहेगा, उतना उसकी लाइफ जो है इट विल बी अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड दैट्स द लाइफ ऑफ रेबल. एंड रेबल इज डिसाइडिंग टू बी हैप्पी. रेबल इज डिसाइडिंग नॉट टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन और द वर्ल्ड और द सोसाइटी. अ रेबल इज समवन हु इज डिसाइडेड टू लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स. तो एक रेबल को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. एक रेबल को जो है, एक रेबल ने ये डिस्कवर कर लिया है अपने बारे में कि ही इज़ गॉड हिमसेल्फ. और जैसे कि आपने ओशो ज़ेन टैरो की जो सीरीज़ में जो पुराने अगर आपने अपने एपिसोड्स देखे हैं, बार बार हम एक इस कंक्लूजन पे आते हैं दैट ओशो हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव दिस गॉड सिटिंग इनसाइड ऑफ अस, दैट यू हैव दिस ब्यूटिफुल एंटिटी, दिस ब्यूटिफुल बींग, this power which is sitting inside of us. You can call it God, you can call it universe, you can call it whatever you want. And the moment you start realizing that this beautiful thing is inside of you, that you are made up of all this, then how can you contain yourself into like a small box? आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप जो है एक छोटे से कंटेनर में अपने आप को बंद कर सकें. आप ये डिस्कवर करेंगे आप ये डिस्कवर करने लगेंगे कि द होल स्काई बिलोंग्स टू यू, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, द होल यूनिवर्स बिलोंग्स टू यू. दैट इज़ व्हाट द रियलाइजेशन ऑफ रेबल इज. तो एक रेबल ऐसा नहीं है कि वो जो है वो इसलिए रेबल है क्योंकि वो फाइट करता है. वो इसलिए रेबल है क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया है कि दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो हिज ओल्ड कंडीशनिंग. अ रेबल हैज़ गिवन बर्थ टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप को एक नया जन्म दिया है. उसने ये रियलाइज़ करा है कि दैट ही कैन लिव हिज लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स. वो ऑलमोस्ट उसके अंदर जो है एक ऐसी ताकत जो है उसको एक्सपीरियंस हो गई है कि दैट ही कैन लिव हिज लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल. एंड ही इज़ करेजियस. उसके अंदर जो है हिम्मत है अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने की द वे इट इज़. और लोग जो है रेबल से डरते हैं क्योंकि फॉर द सिंपल रीज़न इज़ क्योंकि हम रेबल को कंट्रोल नहीं कर सकते. रेबल अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति है. उसकी स्वतंत्रता जो है पूर्ण है. उसकी पूर्णता के कारण जो है हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम रेबल को किसी भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकते.
हम रेबल के हो सकते हैं लेकिन रेबल हमारा नहीं हो सकता। हम रेबल की सुन सकते हैं लेकिन रेबल हमारी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? उसका कारण सिंपल सा ये है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, और रेबल जो है एक आकाश मुक्त, उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं, उसने जो है रियलाइज़ कर लिया है कि क्या उसको बांधता है और क्या बांधता है उसको, डिज़ायर उसको बांधते हैं। और धीरे धीरे जो है रेबल के अंदर जो है द डिज़ायर्स जो उसको पकड़ते थे, उसने धीरे धीरे वो जंजीरें जो है तोड़ना शुरू कर दिया है। एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। जब तक कि आपके पास वेट है वो पंछी नहीं उड़ सकता। वो पंछी तभी उड़ेगा जब जो है जो वो जो वेट है उसका, जब वो अपना वेट को शेड कर देगा। और एक बारी आपने जो है उस सच्चाई को जो है चख लिया, आपने ये जान लिया कि आप क्या हो, आपकी क्या पोटेंशियल है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक एंड लिव लाइक नॉर्मल पर्सन। हम रेबल को डेंजरस कहते हैं, फॉर द सिंपल रीज़न इज़ बिकॉज ही इज़ लिविंग ऑन हिज ओन टर्म्स। उसने अपना रास्ता खुद निकाला है, वो कोई राजपथ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कोई ऐसा रास्ता फॉलो नहीं कर रहा है जो हर कोई जिसमें चल रहा है। और जो उसने अपना रास्ता खुद निकाला है, ही इज़ रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। ही डजंट केयर दैट वेदर दिस पाथ विल लीड हिम टू हेल और हेवन। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसको जो है ये रास्ता जो है स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा या नरक की तरफ लेके जाएगा। ही इज़ ओके विद बोथ बिकॉज ही हैज़ फाउंड हिज पीस इनसाइड। क्योंकि उसको अपने अंदर जो है वो स्वर्ग ऑलरेडी वो मिल चुका है। तो क्या मैसेज है इस कार्ड का आपके लिए? कार्ड का मैसेज यही है आपके लिए, बी अ रेबल, नो योर सेल्फ, लिव योर सेल्फ, एक्सपीरियंस योर ट्रू सेल्फ। और जब आप उस ट्रू सेल्फ को जो है रियलाइज करना शुरू करेंगे, यू विल बी रेबल। बिकॉज और रेबल आपका जो है तब बाहर आएगा जब आप देखेंगे कि आसपास के जो आपके लोग हैं, जो फैमिली है, जो कंडीशनिंग है, वो सब आपको टोकते हैं, वो सब आपको रोकते हैं, और आपकी जो है वापस आपको बुलाते हैं आपको उन्हीं कंडीशनिंग में जिस कंडीशनिंग में अब तक आप जीते आए थे। लेकिन एक रेबल ने अपनी कंडीशनिंग तोड़ दी है एंड फाइनली ही हैज स्टार्टेड लिविंग इन ट्रुथ। और एक रेबल के लिए और एक रेबल होना जो है डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट दैट कैन ओनली अ पर्सन कैन ओनली बिकम रेबल व्हेन ही विल स्टार्ट मेडिटेटिंग, व्हेन ही विल स्टार्ट बीइंग विद हिज ओन सेल्फ, व्हेन ही विल बी मोर एंड मोर इन हिज ओन हार्ट, इन हिज ओन स्पेस। उस स्पेस में रहने के कारण जो है उसकी जो कंडीशनिंग है वो टूटनी शुरू होती है। जिस पैटर्न से जो वो आदमी जीता है, वो पैटर्न का जो है वो आदमी का टूटना शुरू होता है। एंड उस पैटर्न के टूटने से जो रियल रेबल है उसका, वो भीतर से बाहर आना शुरू होता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, एंड दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड ऑफ ओशो ज़ेन इज़ ट्राइंग टू गिव यू मैसेज, टू बी अ रेबल, डिस्कवर योर रिबेलियस नेचर, लिव योर एनलाइटनमेंट। तो जब आप अपने रिबेलियस नेचर को जीना शुरू करते हैं, आप साथ ही साथ जो है इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर यू ऑल्सो। इट्स साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ब्यूटिफुल है। इन अ वे यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन लाइट। अब तक जो थे आप अंधेरे में जी रहे थे, एंड फाइनली यू हैव डिसाइडेड वॉट इज अ रेबल। अ रेबल हैज डिसाइडेड टू लिव इन लाइट, हैज डिसाइडेड नॉट टू लिव इन डार्कनेस एनी मोर, नॉट इन द शैडोज एनी मोर। A rebel has decided to make his life beautiful, to make his life perfect, to make his life godly as much as possible. So this was my interpretation for you, for the card of rebel. I hope you enjoyed the interpretation, and I wish everyone that they should be able to realize their rebellious nature inside. Be a rebel, know yourself, know light. Thank you so much for watching. Namaste.